हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का पिक्सार बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आपको भी अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना सीखना है तो आपको इस वाले वीडियो जरूर लास्ट तक देखना है। सो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले पिक्सार में इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। मैंने जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ किया उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन फिर आपको यहाँ से नीचे एड फोटो में चले जाना है और यहाँ से आपको अपने मॉडल का इमेज एड कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही कटआउट कर लिया था। अगर आपको मॉडल का इमेज कटआउट करना नहीं आता तो आप इस वाले एडिटर से सीख सकते हो। देन फिर यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है आपको कुछ इतना। देन फिर आपको यहाँ पे जो लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और इसको कर लेना है डुप्लीकेट। देन फिर हमें यहाँ पर इसके इफेक्ट में चले जाना है। इसको पहले फिर रोटेट कर लेना है कुछ इस टाइप से। देन फिर यहाँ से इसको मूव डाउन करके हमें इसकी यहाँ पे जो इफेक्ट है हमें उसमें जाना है नीचे। देन हमें यहाँ पे कलर्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको दे देना ब्लैक एंड वाइट। देन इसके ब्लैक एंड वाइट कमांड को बिल्कुल ज़ीरो। देन यहाँ से कर देना है डन। देन यहाँ से फिर हमें इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है लगभग 28 या 26। देन कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे नीचे शेडो मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको फिर कहीं भी क्लिक कर देना और फिर से आपको एड में जाना है और यहाँ पे फिर आपको इस वाले विंग पीएनजी को ऐड कर लेना है। देन इसको भी यहाँ से पहले आपको मूव डाउन कर लेना है जूम करके। देन मूव डाउन करके आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड के पीछे इसको एडजस्ट कर देना है बिल्कुल अच्छे से। देन फिर इतना करने के बाद में आपको यहाँ से कर देना है ओके पे क्लिक। देन आपको फिर से यहाँ से एड फोटो में जाना है और यहाँ से फिर आपको इस वाले स्मोक पीएनजी को ऐड कर लेना है। देन यहाँ से इसकी जो साइज को कुछ स्टेप को इंक्रीज कर लेना है। देन फिर यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आपको लगभग यहाँ से 50 रख लेना और यहाँ से आपको कर देना है डन। देन आपको फिर से यहाँ से ऊपर चले जाना है इफेक्ट में और यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। सबको सिंपल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सिंपल में MV4 को सिलेक्ट कर लेना है पहले तो। देन इसके जो अमाउंट है फेड को इसको आपको रख लेना है 80 और यहाँ से फिर हमें उसको ऊपर से मर्ज कर देना है। हमें इसको एक और इफेक्ट देना है इसलिए। देन आपको फिर से लास्ट में चले जाना है इसके सिंपल में ही और यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ पे इसमें देना है यहाँ पे लोमो। देन यहाँ से इसके लोमो को भी जो अमाउंट है इसके फेड को आपको रख लेना लगभग इसको भी 80 रख लेना आपको। देन फिर आपको यहाँ से कर देना है डन। देन फिर हमें लास्ट में टूल्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से एडजस्ट में जाना है और यहाँ से इसके जो ब्राइटनेस है उसको आपको थोड़ा सा डिक्रीज रखना है लगभग 6 माइनस में। देन कॉन्ट्रास्ट में जाना है, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इनके से लगभग 10। देन सेचुरेशन में जाना है। देन यहाँ पे इसके सेचुरेशन को भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज ही रखना है कुछ इतना। देन इसके हाईलाइट्स में जाना है और हाईलाइट्स को थोड़ा सा आपको डिक्रीज या इंक्रीज रख सकते हो कुछ इतना। देन इसकी शेडो में जाना है और शेडो को थोड़ा सा आपको डिक्रीज ही रखना है लगभग 10 माइनस में। देन टेम्परेचर में जाना और टेम्परेचर को भी थोड़ा सा इंक्रीज लगभग माइनस प्लस में 10 रख लेना। यहाँ से आपको फोटो बिल्कुल रेडी हो चुका है। सबको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाकर इसको कर लेना है डाउनलोड। सो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सब मिलता है ऐसे किसी एडिटिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।